नजरिया लागे। जबरदस्त रिजल्ट लिया आपने। हाँ ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चेंज हो गए हो आप, लुक चेंज हो गया है बिल्कुल, है ना? हाँ, हाँ। तो, सब आपकी वजह से, सब आपकी वजह से। नहीं नहीं, आपकी वजह से, मैं भी आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाऊंगी आपकी वजह से। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपने कॉल किया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप लोग मुझ पे बहुत इल्जाम लगाते हो, आपकी वजह से, आपकी वजह से ठीक हुआ, आपकी वजह से। अभी मैं आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाऊंगी आपकी वजह से ठीक हुआ। बहुत खुशी होती है आप लोग को खुश देख के। जी, कितने साल पुराना था ये? ये हो गए 8-9 साल। आठ नौ साल जब रेमेडी देखा तो आपके मन में क्या आया, क्या सोचा और आप कैसे लगाया, मतलब क्यों क्यों लगाया आपने, क्या सोचा कि क्या होगा इससे? जी, पहले तो मैंने आपकी वीडियो सब देखी। जो जो आप वीडियो डालते थे वो सब मैं देखती थी, और फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि चलो ये भी मैं यूज करके देख लेती हूँ। तो आप डर नहीं लगा के इसको लगाना चाहिए? कुछ लोग इसको बुरा बोल रहे हैं, जल जाएगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, इस तरह से। नहीं, आपके दिल में वो डर नहीं आया कि नहीं यार जल जाएगा मेरा, ऐसा लगाया तो पता नहीं क्या है ऐसा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा लगा, इसलिए तो पहले यूज किया मैंने। जो फुल पॉजिटिविटी से यूज करता है ना, उसका रिजल्ट भी उसी तरह से आता है जैसा कि उसका दिल होता है। बराबर है दीदी, क्योंकि जो दिल है, देखिए ये बड़ा ही सीरियस बात है कि जिसका दिल जैसा होता है ना उसका चेहरा भी वैसा ही है। तो आप बम्पर रेमेडी यूज करके खुश हो? बहुत बहुत खुश हूँ। अभी तो चेहरा क्लियर हो गया है मेरा, बहुत खराब हो गया था, मैं कहीं नहीं जाती थी दीदी, ना शादी में, ना गांव जाती थी, ना बाहर जाती, निकलती नहीं थी। लेकिन अभी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो मलाजमा है आपका, मलाजमा बटरफ्लाई है ये आपका? अभी थोड़ा सा मामूली है, ज्यादा नहीं है। अरे यार आप देखो कि जो है था ना वो नहीं है, वो मामूली है ना, उसको देखना बंद कर दो, वो अपने आप चला जाएगा, उसमें कुछ ही उसका। हाँ दीदी, हाँ, हाँ। जो जो हुआ ना कमाल आपके चेहरे पे उसको देखो, और जो थोड़ा सा हल्का फुल्का है ना उसको देखना बंद कर दो, वो अपने आप चला जाएगा जब आप उसको देखोगे। नहीं, नहीं। इसकी तो गारंटी है मुझे कि वो भी चला जाएगा। जब इतना सारा नहीं रहा तो इतना सा, यही कहती हूँ आप लोगों को, जो इतना सा है ना उसको नहीं देखो, जो इतना सारा था ना उसको देखो कि वो क्या से क्या हो गया, जमीन और आसमान का फर्क है आपको, है ना? घर बैठाए आपको हर चीज, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, ना भागना, ना दौड़ना, घर में बैठे आराम से, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, है ना? ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको अंदाजा है इसका या नहीं? है ना, है। ये जो घर में बैठ के लिए हो और लेकर बैठे हो आप, तो वो बाहर जाके अगर आप, तो आपको क्या क्या करना पड़ता वो आपको भी पता है, और जो आपको देखेंगे उसको भी पता है। बराबर। कई लोग ना ऐसा भी मुझे कहते हैं, जैसे आप लोगों के फेस, जो साफ वाला फेस का जो मैं पिक्चर लगाती हूँ और आप लोगों का पिगमेंटेशन वाला पिक्चर लगाती हूँ, तो कई कमेंट में चाहते हैं कि ये है फेक है, झूठ है, और इसका चेहरा तो ये है ही नहीं, ऐसा? नहीं, बिल्कुल फेक नहीं है दीदी, बिल्कुल फेक नहीं है, तो रियल है, रियल। जो ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपका ही है ना? हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। तो ये है ना, देखिए अब आपको ये देखिए, ये जो फोटो आपने भेजा है, ये और आप में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, आप लोग वो लगते ही नहीं हो जो पहले रहते हो। आप लोग का बोलते ना सब बदल जाता है, फेस तो छोड़ो यार, पिगमेंट, ये सब आपका कमाल है, आपका।
मुझे तो लगता है ना कभी कोई घर में आप लोग को ढूंढने ना निकल जाए कि वो मेरी पत्नी थी, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी वो बहन कहाँ गई, अरे ये तो वो नहीं है, कहीं और कोई है क्या, इस तरह से। क्योंकि जो आप लोग रहते होते हो पहले, वो बाद में रहते ही नहीं हो। 10-10 साल पिछले 20-20 साल एकदम यंग बन जाते हो आप लोग ना, वही तो कमाल। पिगमेंटेशन नहीं ठीक हो रहा, आपके फेस टेक्चर, आपका लाइफ स्टाइल, आपके सोचने का अंदाज, आपका हर चीज। बोलते ना एक बादल जो धूप को ढक देता है, और जब बादल हटता है ना तो एक चमकता हुआ सूरज जो है वो बादल से बाहर धूप देता है हमें, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है। तो वही काम आप लोग के साथ हुआ था, जो आप लोग की हस्ती है ना वो ढक गई थी पिगमेंटेशन की, बादल जो अब छट रही थी, तो आप लोग भी खिल खिल के धूप की तरह निखर निखर के बाहर आ रहे हो आप लोग। सुंदर मुस्कुराहट भी आपकी है और चेहरा भी आपका है, दिल भी मेरा है, दिल भी आपका है। जो मैं ये मुस्कुरा रहे ना, ये सब आपकी वजह से। तुम्हारा दिल मेरे पास है, गाना है ना, मेरा दिल आपके पास है। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। आपको जो लोग देखते हैं सुनते हैं महाराष्ट्र में, तो उनको कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगी आप? उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि बम्पर रेमेडी सबको यूज करना चाहिए, जिसके चेहरे पर वो मेरे जैसे जो हाल था, उस उनको सब उन सबको यूज करना चाहिए। रिजल्ट तो आप देख रहे हो मेरे साथ, आपके सामने है। जी जी, वही के लोगों को, लोगों के आंख में पट्टी बंधी हुई है, जिस दिन वो पट्टी खुलेगी ना उनको, तब उन्हें समझ में आएगा। क्योंकि झूठ की पट्टी जो होती है ना वो मजबूत होती है, लेकिन जब उतरती है ना तो, क्योंकि काली पट्टी होती है तो काला निशान छोड़ के निकलती है वो, है ना। तो बात नहीं, जिसको अच्छा लगता है यूज करो, जिसको अच्छा नहीं लगता वो यूज मत करो। अपनी अपनी मर्जी है, खुशी भी अपनी अपनी है कि नहीं। बराबर बराबर, सबका खाना भी लिखा है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलती। कितने नंबर दोगे आप हमारी बम्पर जिंदगी को, 100 में से? 100 पूरे 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 100। अगर बच्चा होता तो बिना एग्जाम दिए टॉप कर जाता। तो ना पढ़ना ही नहीं पड़ता, नर्सरी में जाना नहीं पड़ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, वो बिना एग्जाम दिए पढ़े स्कूल जाए ही टॉप कर जाता। जा ही नहीं रहा था दीदी मेरा, जा ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गई थी मैं। अभी तो अभी निकल रही हूँ बाहर घूमने जा रही हूँ, कहीं बुला कभी बुलाते ना इधर उधर, वहां जा रही हूँ बिना मेकअप पे, बिना मेकअप पे कुछ भी नहीं लगा रही। फिर सब विनोशिया यानी सनस्क्रीन लगाती हूँ बाहर गई तो, अगर रात में गई तो विनोशिया लगा। नजर से बचना है, नजर, हाँ नजर लगती है, नजर सर है ना, बहुत होते हैं, बहुत खराब होते हैं, गंदे नजर वाले लोग जो होते हैं वो हमें इस तरह से देखते हैं कि हमारी हस्ती बस्ती को नजर लगा ये लोग हस्ते हैं। बराबर है, सब पूछते हैं क्या लगाती हो, क्या लगाती हो, पूछते कितने चेहरे पर ग्लो आ गया। नजर उतारो, हाँ महाराष्ट्र लोग को बहुत अच्छा नजर उतारते हैं, उनको बहुत अच्छा तरीका आता है नजर उतारने का। तो नजर उतारो और बचना नजर से, ज्यादा खुश मत होना किसी के सामने। जैसे आप लोग पिगमेंटेशन थे ना, पिगमेंटेशन ढक के चलते थे ना जैसे बाहर पहले, अभी आप लोगों ने अपनी सुंदरता को ढकना है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोगों ने अपनी सुंदरता को ढकना है। देखो ना आप लोग कितने सुंदर सुंदर हो, इसकी वजह से आप लोग दबे पड़े थे। बोलते ना बड़ा चट्टान के नीचे ना दबे थे आप लोग, वो चट्टान हटा है ना तो आप लोग निकल गए। तो इसीलिए नजर से बचना, नजर से मैं बार बार कह रही हूँ बचना। हर चीज को नजर लगती है, आपके बाल को नजर लगती है ना, आपके मेरे बालों को नजर लग गई, इतनी झड़ती है मेरी बाल की जिसका कोई हिसाब नहीं। हर चीज को नजर लगेगी, आपके घर को नजर लगेगी, आप सुंदर दिखते हो, आप अच्छा ड्रेस पहनते हो। देखिए कपड़ा तो सब लोग पहन लेता है लाखों लाख रुपए के भी, लेकिन उसको कैरी करने वाला जो इंसान होता है वो ही कैरी कर पाता है उसको, नहीं तो 1 लाख का कपड़ा भी पहन लो तो किस फायदा, क्या फायदा, क्योंकि जो जिसको कुछ आता ही नहीं, ठंड ठंड गोपाल है वो तो। बराबर बराबर, वो कैरी कर ना, वो रास्ते पर से 150 रुपए का कपड़ा पहनेगा ना उसी में वो गेटअप देगा अपने आप को, और कोई 1000 का भी पहन लेगा ना तो उसको कोई गेटअप नहीं आने वाला।
सही बात है, सही बात है। नजर जो होती है ना वो दूसरों की हर चीज पे रहती है, दूसरे के कपड़ों पे, दूसरों की हंसी पे, दूसरे की खुशी पे, दूसरे के लंबे बाल है तो लंबे बाल पे, है ना, हर चीज पे। तो होता है इसीलिए ऐसे लोगों की बुरी नजर, वालों की बुरी नजर से ना बचिए, क्योंकि वो लोग आपको छुप छुप के देखते हैं। हाँ बराबर बराबर, ये बराबर बात कही आपने। छुप छुप के देखते हैं वो लोग, ठीक है, छुप छुप के नजर गड़ाते हैं वो लोग, अपनी काली नजर जो होती है कि छुप छुप के देखते हैं, और अंदर से ना वो लोग ऐसे करते हैं, आपके मुंह पे बोलने का उनको हिम्मत नहीं होता है, लेकिन छुप छुप के देखेंगे और आपके ऊपर हसद करेंगे कि इतनी सुंदर है ना, इसके इतने लंबे बाल हैं, आपकी तरह बनने की चाह है उसे, लेकिन वो बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए छुप छुप के ऐसे लोग देखते हैं और काली नजर लगाते हैं, तो बचिए नजर से। मैं सबको कहती हूँ और बार बार कहती हूँ ये बात, अगर आप लोग नहीं मानोगे ना बाद में बहुत पछताओगे आप लोग। सही बात है यार, अपनी सुंदरता छुपाओ, ठीक है, अपनी सुंदरता, जैसे पिगमेंटेशन में छुपा छुपा के आप लोग घूमते थे, वैसे ही आप सुंदरता को छुपा छुपा के घूमो, ठीक है। ओके दीदी, रखो मेरी बात, आपस आप सबका भला करते ना, ठीक है। तो आपकी तरक्की, आपकी तरक्की, आपकी तरक्की किसी को देखी नहीं जाती, ठीक है। क्या तरक्की कर रही हूँ, कौन सा हम गाड़ी बंगलों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज खरीद लिया मैंने, क्या तरक्की कर रहे हैं, किसी को हंसाना तरक्की है, किसी की नहीं, किसी को हंसाना का पुण्य पुण्य का काम है। खुशबू, मैं तो ये बोल ही रही थी कि दीदी का एक ना एक दिन कॉल आएगा, देर हो जाएंगी लेकिन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास था दिल में, विश्वास था कि नहीं दीदी कॉल करेंगी या करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी, मैंने सबसे वादा किया है और मैं जरूर करूंगी, लेट होगा तो होगा लेकिन बात होगा जरूर, ये अपने बोलते हैं ना, गांठ बांध लो अपनी आंचल में कि बात होगा जरूर, देर से होगा लेकिन होगा, ठीक है, वादा है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती, जो कहती हूँ ना वो करती। हमें पता है आप वादे से कभी नहीं मुकरती, करती हूँ ना वो, मैं करके भी दिखाती हूँ। हाँ दीदी, ये साबित कर दिया आपने, सरेआम करके दिखाती हूँ, छुप के नहीं करती, जो करती हूँ सामने करती हूँ सब कुछ, ठीक है। आगे नहीं करती, जो करती हूँ मुंह पे, कोई बात रहेगा बुरा तो मुंह पे बोल दूंगी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और अच्छा कहो अच्छा भी मैं मुंह पे ही बोलूंगी, ऐसा नहीं कि अच्छा मैं पीछे बोलूंगी, वो भी आपके फेस पे ही बोल दूंगी मैं कि आप अच्छे हो या अच्छी बात करते हो, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के और आपसे हंसी मजाक करके, बड़ा ही मजा आया, ऐसे ही खुश रहो आप, हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते ऐसे जिंदगी बिताओ, और आप भी खुश रहा करो दीदी, और आपने अपनी तरफ ध्यान दिया करो, क्योंकि आप हमारे लिए जरूरी हो। आप भी, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, आपने का क्या है, हमारा ना हो। बहुत अच्छा, ऐसे ही रहिए, मैं यही हूँ, जब तक जिंदा हूँ मैं यही रहूंगी, ठीक है, फिर नहीं रही तो फिर मैं आप लोग के साथ भी नहीं रहूंगी, जाहिर सी बात है, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी खुश रखे, मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आपको आपके घर परिवार को हमेशा खुश आबाद रखे, ऐसी रहो, हंसते रहो आप लोग, है ना, हर बुरी नजर से आप लोगों को अल्लाह ताला बचाए, और जो बुरी नजर से हम सबको देखता है ना, अल्लाह ताला उनकी नजरों को धुंधला कर दे, ताकि हम उनको दिखाई ना दे, अल्लाह से यही दुआ कर, ठीक है। चलिए आप भी खुश रहिए दीदी, मैं खुश हूँ आप लोग को खुश देख के, थैंक यू, लव यू लोगों को, ट्रेन भर के लव यू, लव आपको भी बहुत, हंड्रेड हंड्रेड लव यू।